नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर, आगे नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अभी तक मंत्री जी का यहां बोर्ड लगा हुआ है, अभी तक सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। वैसा भी होता है, ये प्रॉब्लम शुरू से चल रही है। अच्छा, पानी भरा ही रहता है यहाँ पे। रात भी मैं निकल रहा था तो मेरा टायर भी स्लिप हो गया यहाँ मुजफ्फरनगर में। भोपा रोड पर गैमेक्सिन फैक्ट्री के पीछे विष्णुलोक संस्थान के बाहर सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ आपस आने जाने वाले लोगों को बहुत समस्या होती है। यहाँ पानी भरा रहता है और गंदगी का आभार बना रहता है। नहीं, लेकिन एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, डॉक्टर संजीव बालियान का के सांसद है, जो उन्होंने यहाँ पर बोर्ड लगवा रखा है कि ये बन चुकी है। अभी तक मंत्री जी का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, अभी तक सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? अभी तक उन्हें उनके निगाहों में इस बोर्ड को अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी कागजात कार्रवाई सिर्फ पूरी की गई है, धरातल पर काम नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। तो क्या कहना चाहूंगा? मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस सड़क का निर्माण अति शीघ्र कराया जाए, जिससे कि आने जाने वाले लोगों को समस्या ना हो और नाली का भी निर्माण साथ ही कराया जाए। लेकिन 2020-21 की अगर बात करें तो यह क्षेत्र जिला पंचायत में आता था, लेकिन 2024 के बाद ये नगर पालिका में आता है। तो यहाँ के सभासद जो है, उनके पास आप गए थे समस्या को लेकर, यहाँ के सभासद को? हाँ, उन्हें भी मैं सूचना दे चुका हूँ। क्या नाम है उनका? श्री नवनीत गुप्ता जी। तो वे कहते हैं प्रस्ताव हम भेज चुके हैं बार बार। तो इस और भी ध्यान, ये अंदाजन 40 मीटर का टुकड़ा है। हाँ, और आगे भी काफी लंबी है। आगे तक बन जाए तो बहुत लाभ मिलेगा। तो सिर्फ 40 मीटर का ये टुकड़ा यहाँ पर बता रहे हैं, जिस कारण काफी समस्या खड़ी कर रहा है। आपका क्या नाम है जी? सर प्रदीप शर्मा। एक्चुअली अभी आपने बताया कि यहाँ बरसात में पानी भरता है, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। बरसात में तो पानी हर जगह भरता है, लेकिन यहाँ रोज ही भरता है। आज इन लोगों ने ये नाली तोड़ी, नाली जोड़ी। अच्छा, यहाँ पर ईंटें लगवाई, मसाला लगवाया और फिर ये भराव कराया थोड़ा सा। अच्छा, तब जाकर के आज ये थोड़ा सूखा लग रहा है। अच्छा, वरना यहाँ डेली नाली का पानी जाता ही इधर से है। अच्छा जी, तो यहाँ नाली का पानी, नाली का रास्ता आखिर रोजाना यहाँ से ही जाता है। किसी तरह क्षेत्रवासियों ने यहाँ पर खुद से नाली का निर्माण किया है और उसको यहाँ नाली की निकासी ही नहीं है। कितनी समस्या हो रही है यहाँ की सड़क से? सही समस्या है। और क्या होता है, मंत्री जी ने बोर्ड लगवा दिए है, बनवा दिए हमने तो यहाँ से सब कागजों बन गई। अच्छा, कागजों बन गई और क्या है बाकी? दिक्कत आप तो यहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ से लेकर दूर तक देख लो कहीं सड़क बनी हुई है क्या? नाली का निर्माण नहीं है, बताइए आप। सबसे बड़ी समस्या, सब पानी यही पे छोड़ रहे हैं। अच्छा, पैर कट रहे दोनों का? हाँ, देख रहे हैं। अच्छा, ये सबसे समस्या है। एक बार कैमरा मैन को आप दिखाएं, देखो इतना। अच्छा, कैसे लगी चोट? ये इधर से मैं जा रहा था, उधर से स्कूटर का पहिया फिसल गया। ये नाली पे भरते हैं, नाली पानी भरवाते हैं। यहाँ तो सड़क बन रही है यार, अब मिट्टी गिरी, अब गिरी मिट्टी तो नहीं, सीसी सड़क बन रही है यहाँ तो। हाँ, बननी, कहीं भी नहीं बननी सीसी। आज तक पड़ा हुआ लिखा है ना बोर्ड ही तो लग रहा। हाँ, तो बोर्ड पे तो लिख रहा, जबकि हमने सपा नवनीत गुप्ता से कह दिया हमें सड़क बनवाओ, कह रहे हैं एमजे वाले बनवाएंगे। अच्छा, न बनी अभी तक है नहीं। 2020 से 2024 आ गया, 4 साल हो लिया सीधे, अभी तक सड़क नहीं बनी पाई है। हमारा अनुरोध है ये सड़क और नालियाँ बनाया जाए, जबकि ये नाला पास हो रहा है, अभी पास ये बनाई नहीं। मंत्री जी ने बोर्ड भी लगवा रखा है यहाँ पर, कभी ऐसा हुआ हो 4 साल में टूट गई हो फिर? नहीं नहीं, पहले भी टूटी पड़ी, बनी नहीं, यहाँ बनी नहीं 4 साल तक सड़क। वैसा भी होता है, ये प्रॉब्लम शुरू से चल रही है। अच्छा, पानी भरा ही रहता है यहाँ पे। रात भी मैं निकल रहा था तो मेरा टायर भी स्लिप हो गया यहाँ पे। अच्छा, बस मेरे लगी नहीं, इतनी गनीमत रही। तो किसी तरह से यहाँ पर पानी का जो समस्या थी वो खत्म की गई है? नहीं, समस्या कुछ खत्म नहीं, समस्या तो वैसी ही है। एक्चुअली अभी ईंटें तो लगा दी, लेकिन निकासी तो अभी भी नहीं है। निकासी तो नहीं है ना, अगर बरसात आ जाएगी तो और ज्यादा नुकसान होगा यहाँ। आज कल इनके लगी है, कल मेरे, हाँ, 2 दिन पहले इनके लगी है। कितने टांके आए थे इसमें? 9 टांके आए हैं। अच्छा जी, हम तो चाह रहे नालियाँ सड़क बन जाए बस, और क्या चाहते। हाँ,
लगभग एक ही योजना पूरी होगी चार साल आने की। हाँ अब तक ये सड़क नहीं बन पाई, ना बन पाई, नाली और सड़क बन जाए लोगों की समस्या हल हो जाए। थोड़ा सा सर यहाँ पे जो वार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ठीक नहीं है जी? वार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर सही नहीं है। जैसे ये कि हमारा सपोज किसी का 35 वार्ड 35 मारा है, किसी का 33 मारा है, किसी का 34। अच्छा, मतलब एक ही गली में तीन चार वार्ड। लेकिन जो आपके सभासद पढ़ते हैं उनसे बात कीजिए, वो करवाए। सर एक से बात कर, वो कहाँ करा पा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम हुआ है तो फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो क्लियर नहीं हो पा रहा। अगले फर्स्ट टाइम में समझने में लग जाएगा क्षेत्र। हाँ वही वही वही, उन्हें अभी खुद को अपना क्षेत्र नहीं पता कि हमारी गली कौन सी है। हम जब वोट डालने गए तो नहीं, जब उन्होंने प्रचार किया, चुनाव का प्रचार किया, गली गली घूमे, अपने क्षेत्र में घूमे, वो ठीक है, सब घूमे, गली में तो सारे आए, 33, 34, 35, 32 सब आए। लेकिन जब हम वोट डालने के लिए गए तो हमसे पूछा गया भाई आप कहाँ के हैं, तो जब हमारा कार्ड देखा तो हमने बताया कि हमारा पड़ोसी फलाने वार्ड में गया है। तो कह रहे नहीं भाई आपका उसमें नहीं है, आपका उसमें, जबकि हमारे बराबर वाला, जब बराबर वाला इस वार्ड में गया है तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी तो उसी में जाना चाहिए ना। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट वार्ड है। तो 2020-21 में जिला पंचायत में था, लेकिन अब नगर पालिका में आ गया है तो नगर पालिका से ही बनवाई जानी चाहिए फिर तो। सर बनवाई जानी चाहिए, लेकिन जाएंगे तो सभासद के थ्रू ना। हाँ सभासद के थ्रू। कौन से सभासद के थ्रू, कौन से वार्ड के सभासद? क्या कौन है सभासद? अभी तो यहाँ पर नवनीत गुप्ता जी आते हैं, बस उनसे मुलाकात। अच्छा, होती है। क्या कहते हैं वे? वो तो अभी सर ने बताया ही है कि वो तो आश्वासन तो देते ही हैं, सपोर्ट पूरा करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन रिजल्ट आए तो तब पता चलेगा। रिजल्ट 2020-21 में आ गया था ये तो। काम का रिजल्ट, हमने काम के रिजल्ट, हमने काम के रिजल्ट की बात की। मौजूदा स्थिति में कोई रिजल्ट नहीं, इतनी समस्या है कि अभी हमारे क्षेत्रवासी हैं शर्मा जी, इनके चोट लगी, बच्चों को भी आ जाने में समस्या है, गंदगी इतनी है, मच्छर, अभी गर्मी आने वाली है, तरह तरह की बीमारियां फैलती है। ये सब समस्या को देखते हुए चाहे ये नगर पालिका में है, मेरे ग्राम पंचायत में था, कैसे भी समस्या समाधान बननी चाहिए। किस तरह की समस्या है सड़क ना बनने? जैसे ये हमारा मोहल्ला नगर पालिका में आ गया। हाँ। नगर पालिका में सारी जगह कूड़े की हो जाती है गाड़ियाँ। हाँ। यहाँ तो अब तक वे भी नहीं आई। हाँ, ये भी चुनाव हुए भी बहुत टाइम हो लिया कूड़े गाड़ी। अच्छा जी, एक आधे दिन ही तो अब यहाँ तो पर्सनल अपना बुला के किसी को कह रखा भाई कि उनको यहाँ से कूड़ा लेकर चला जाए, अगर लोगों ने सबने मिल गए एक को पकड़ रखा वो अपना कूड़ा लेकर चला जाए सारे घरों का। यहाँ तो वो भी नहीं आया अब तक, ना जमादार आता है यहाँ, कोई सड़क पर झाड़ू पर, पहली बात तो सड़क ही नहीं है, झाड़ू। गलती किसकी मानते हो फिर? अभी तो आजकल गलती तो वो है, इस टाइम जो वार्ड मेंबर है उनकी गलती है, क्यों नहीं आगे देख रहे क्षेत्र में क्या देखना। तो सबसे बड़ा जो है उन्हीं का उत्तरदायित्व है आगे रोड को देखना। तो काफी समस्या है सड़क को लेकर, एक बार ये बोर्ड दिखाना चाहूंगा आपको। विष्णु लोक का यहाँ पर एक संस्कार रेडी चला रहे हैं पंडित जी। तो पंडित जी सुना है कि यहाँ पर डीजीपी जी साहब भी आ चुके हैं। हाँ, इस संस्थान पर डीजीपी विजय कुमार जी भी आ चुके हैं, उनका भी आना जाना लगा रहता है, और बड़े बड़े संत महात्मा और बड़े बड़े अफसरों का भी आगमन रहता है, इसलिए यहाँ ये प्रतिष्ठित सिद्ध धार्मिक संस्थान है। यहाँ की सड़क बहुत ही जरूरी है क्योंकि आवागमन ठीक से चल जाए और मच्छरों का प्रकोप बंद हो। आग पानी भर रहा है, आप वहाँ पर भी अगर देखोगे तो कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है, जल भराव की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्षेत्रवासी कह रहे हैं आगे तक जल भराव इतना हो रहा है कि यहाँ पर मच्छर भी लगातार कोड़ा भी दिखाई, इस कारण यहाँ पर क्षेत्र में बीमारी भी फैल रही है और लोगों को काफी समस्या हो रही है। तो समस्या ये लगता है दूर हो पाएगी, अगर चाहेंगे तो जरूर हो जाएगी, उन्हीं के हाथ में है तो हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ के मेंबर और यहाँ के जो मंत्री हैं अगर वे चाहेंगे तो ये समस्या दूर हो सकती है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो जल भराव होता है उसे काफ़ी परेशानी हो रही है, लगातार हादसे हो रहे हैं, और जिस तरह से कागजात में कार्रवाई हुई है उसी तरह से अगर धरातल में भी कार्रवाई हो जाए तो इन लोगों का यहाँ पर भला हो जाए। मैं अपने सहयोगी मुजम्मिल के साथ गोपी सैनी, हलचल इंडिया, मुजफ्फरनगर। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, हलचल इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।